बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बिहार विधानसभा बजट सत्र 2021 के समापन की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम वसंतोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, भारतीय नृत्य कला मंदिर एवं किलकारी बिहार बाल भवन पटना के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी व पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक जीतन राम मांझी सहित राज्य सरकार के कई मंत्रीगण और बिहार विधानसभा के सदस्यगण मौजूद थे। बिहार में बीएमपी के नाम से मिलिट्री पुलिस बल है, जबकि मिलिट्री शब्द किसी राज्य के पुलिस बल में नहीं है। इसी को लेकर बिहार विधानसभा में मंगलवार को विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास हो गया। सदन में इस बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ, यहां तक कि सदन में विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई तक की भी नौबत आ गई थी। आपको बता दें कि बिहार में इस विधेयक का उद्देश्य बिहार मिलिट्री पुलिस में सबसे पहले मिलिट्री शब्द हटाना था। सदन में हुए बवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर बिहार सशस्त्र पुलिस बल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि विशेष सशस्त्र पुलिस का काम सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने 3 घंटे बैठकर देखा है कि इस बिल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ये पूरा का पूरा किया जा रहा है, ये बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर, और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल अब इसका नामकरण किया गया। और मुझे तो आश्चर्य होता है, हमने कहा है अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जान लीजिए कि दुनिया इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है। ये कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया, इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है। इस तरह से जब कराया गया है आपको ये सब कुछ, जो इनको विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया, इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए होली के दिनों में लोगों को कोरोना से सचेत रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु पूरी तरह सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ भी कोरोना के कुछ मामले बढ़े हैं। होली को देखते हुए सभी लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सजग और सचेत रहें। भाई ये कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के DMSP सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई, एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो हम लोगों को सचेत रहना है, और सचेत रह करके इन सब चीज़ों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में, तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अणिमार्ग स्थित लोक संवाद में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने एक अड़े मार्ग स्थित लोक संवाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रख्यात अभिनेता श्री मनोज वाजपेयी को वेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये काफी गौरव की बात है कि बिहार के हिस्से में ये दोनों नेशनल अवार्ड आए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोषांगों का गठन कर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने टेस्टिंग एवं टीकाकरण में तेजी लाने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मास्क चेकिंग अभियान तथा लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता रथ चलाने का निर्देश दिया। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर के दिशा निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में कुल 2635 युवकों ने अपना निबंधन कराया। इस दौरान कुल 1075 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु गया जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने गया रेलवे स्टेशन स्थित कोविड जांच केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित उपस्थित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।